मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के कांदिवली पश्चिम में एक इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांदिवली पश्चिम में मौजूद पावन धाम वीना संतूर 8 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस 8 मंजिला इमारत में आप ऊंची ऊंची आग की लपटें देख सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप लिया है। जानकारी के अनुसार पावन धाम वीना संतूर बिल्डिंग में यह आग दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास में लगी है। आशंका जताई जा रही है कि आग लगने की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इमारत में आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और खबरों के मुताबिक बीएमसी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि आग कांदिवली पश्चिम के महावीर नगर के पावन धाम वीना संतूर बिल्डिंग में लगी दोपहर के वक्त। इस आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी या फिर इस 8 मंजिला इमारत में आग लगने की कोई और वजह थी।